हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट, मोस्टली सब लोग के घर में मिलेगा ये मनी प्लांट, सबके घर, जिनको भी थोड़ा गार्डनिंग का शौक है। क्योंकि इसके दो रीज़न है, एक तो ये बहुत इजीली लग जाता है और इसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी है, दोनों चीज़ें हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसके विंटर क्या है क्या है। बाकी पूरे साल तो समर्स और रेनी सीजन तो इसका सीज़न ही है, ग्रोइंग टाइम है। विंटर्स में थोड़ा ये थोड़ी सी केयर चाहिए, जहाँ पर जिस सिटी में या कंट्री में आप रहते हैं, जहाँ पर विंटर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ थोड़ा सा केयर है, और वो भी मैक्सिमम 2-3 महीने के लिए, और कई जगह तो 15-20 डेज के लिए ही, एंड दिसंबर और जनवरी। क्या करना चाहिए हम लोग को? तो आपके पास जो भी मनी प्लांट है, ये तो सिंपल गोल्डन मनी प्लांट है, ये नियॉन पोथोस है, नियॉन कलर की लीव्स हैं इसकी। ये देखिए नीचे से, ये इस कलर की हैं, थोड़ी ब्राइट कलर की हैं। चाहे ये वाला मनी प्लांट हो, चाहे या फिर ये ऑक्सीकार्डियम हो, मार्बल क्वीन मनी प्लांट हो, सबके लिए सिमिलर केयर मैं बताऊंगी विंटर्स की। सबसे पहली केयर है कि आपको इसको पानी रिड्यूस करना पड़ेगा। इसकी वाटरिंग कम करने का मतलब होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जहां पर आप रोज या अल्टरनेट डेज दे रहे थे, आप हो सकता है इसको 4-5 दिन में एक बार देना पड़े। इसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो गमले में देते हैं आप, उसको बहुत कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसकी रॉटिंग शुरू हो जाती है और येलोइंग ऑफ लीव्स शुरू हो जाती है। पानी आप तभी दें कंटेनर में जब एकदम ड्राई दिखे आपको, और विंटर्स में वैसे भी इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाता है पानी का, तो पानी काफ़ी दिन तक रिटेन्ड रहता है। अगर आपकी सिटी में बहुत ठंड है और 5 दिन तक ठंड नहीं ड्राई हो रहा है, तो नहीं दीजिए पानी। कई बार हम लोग के दिमाग में ये रहता है ये पानी में भी ग्रो करता है, तो पानी हम दे सकते हैं इसको खूब सारा। इसको स्प्रे कर दिए कभी कभी, जैसे ये नीचे लटक रही हैं जितनी भी बेलें, इनमें सब में एरियल रूट, सेकेंडरी रूट्स हैं जिनके थ्रू ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना फूड, तो इनमें आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करके मैं आपको दिखाती हूँ। और स्प्रे में अगर आपके पास कुछ सीवीड एक्सट्रैक्ट है या कोई फोलियर स्प्रे है, वो आप कर सकते हैं। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है कोई स्प्रे में डालने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको खाली स्प्रे भी कर सकते हैं, मतलब खाली पानी से। और ज़रूरी नहीं है जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको ये सॉइल में भी पानी डालना है। इसकी रूट्स ने, यहाँ की जो ये रूट्स देखिए, ये सब रूट्स जो दिख रही हैं, ये रूट एक दिख रही है, ये सब रूट्स हैं, ये सब वाटर और न्यूट्रिएंट्स अपने आप ले लेंगी, तो ये स्प्रे कर सकते हैं। और सेकेंड टिप, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड टिप है कि आप इसमें फर्टिलाइजर डालना एकदम 2-3 महीने के लिए एकदम बंद कर देंगे। वैसे भी ये पोथोस या मनी प्लांट बहुत हाई फीडर नहीं होता है, तो आप इसको फीड करना बंद कर सकते हैं। किसी भी तरह का फर्टिलाइजर हो, चाहे काउडंग मेन्योर हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, आप अवॉइड करिए। आपने अक्टूबर में जब मौसम थोड़ा ठीक था, तब आपने इसको फर्टिलाइज कर दिया है, और वो फर्टिलाइजर इसके लिए इनफ है। इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं है विंटर्स में, और विंटर्स में अगर आपने इसको बहुत ज्यादा खाना दे दिया तो ये इसके लिए हैवी हो जाएगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो नहीं देंगे तो बेटर रहेगा। और थर्ड टिप, जब ओस पड़ती है, ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं, फ्रॉस्ट पड़ता है, तब इसको अंदर करना है शेड में। और इंडोर प्लांट है ये, तो आप इसको इंडोर भी लेके जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब ज्यादा फ्रॉस्ट पड़ता है तो इसकी लीव्स जो होती हैं ये काली काली होने लग जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, वो एक्चुअली में गल जाती हैं। ये लीव्स के ऊपर जैसे ही फ्रॉस्ट पड़ता है, ओस पड़ती है एकदम ठंडी ठंडी फ्रोजन, तो ये सारी गल जाती हैं लीव्स और ब्लैक कलर की हो जाती हैं। या फिर आप ऐसे टाइप के कोई शेड है जहां पर डायरेक्ट इसके ऊपर
कोई ड्यू ड्रॉप्स ना पड़े, कोई फ्रॉस्ट ना पड़े, ऐसे रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो ये तीन टिप हैं, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपके पास भी मनी प्लांट थ्रू विंटर्स बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। और कुछ लीव्स अगर अगर पीली भी होती रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो मेच्योर होती हैं लीव्स और पीली होके गिर जाती हैं, मेरी भी हो रही है। अंदर देखिए, इसमें अंदर है कुछ पीली, ये देखिए ये वाली पीली है, ये सब नॉर्मल है, मगर मैक्सिमम ग्रीन रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।